तो दोस्तों अगर आपको बोगनवेलिया के बड़े या छोटे जिस प्रकार की भी प्लांट है किस प्रकार से तैयार करने हैं मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से आपको पेंसिल के आकार की कोई भी कटिंग लेनी है। आइए देखते हैं इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, किस कौन सा खाद हमें फर्टिलाइजर इसमें देना है, इसमें नेक्स्ट काम क्या करना है कि जिससे हमें बोगनवेलिया बहुत अच्छे फ्लावरिंग दो। दोस्तों मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूँ अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक्स में। 14 इंची में लगा हुआ ये हमारा बोगनवेलिया का प्लांट बहुत घना हो चुका है दोस्तों, और देखिए इसमें कितनी सुंदर हमारी फ्लावरिंग हो रही है, इसका आनंद ही आ जाता है। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं अपने बोगनवेलिया के बारे में कि हमें कौन कौन से टिप्स को इसको अपनाना है कि जिससे कि हम इसको घना बना सकें और इतने ही खूबसूरत इसमें फ्लावरिंग ले सकें। आइए देखते हैं इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से हमें इसमें प्रूनिंग करनी है अपने प्लांट की, किस कौन सा खाद हमें फर्टिलाइजर इसमें देना है जिससे कि आपके भी गार्डन में ऐसा ही बोगनवेलिया आप लगा सकें। अगर आपके पास नीचे का घर है और ज़मीन आपके पास है तो इसको लगा दीजिए, एक बेल के रूप में ऊपर तक जाता है, पूरे आपके आंगन को बहुत सुंदर बना देगा। छत है तो आप दोस्तों इसको 14-16 इंची के गमले में लगाइए और आपको आनंद आ जाएगा, और इसकी प्रूनिंग जितना आप कर पाएंगे तो उतना बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों देखिए ये मेरा प्लांट, आपको इसकी प्रूनिंग कर लेनी है और इसके टिप्स को बहुत काट लेना है। और देखिए मैं इसकी पहले प्रूनिंग कर चुका हूँ और कितनी सारी इसकी मैंने प्रूनिंग कर ली है, क्योंकि इसको भी इसी प्रकार से मैं घना बनाना चाहता हूँ। और छोटी छोटी टिप्स को इसकी मैं बार बार हटाते रहता हूँ। अभी मेरे को इसका फ्लावर का लालच नहीं है क्योंकि मैं इस प्लांट को बहुत सुंदर बनाना चाहता हूँ। तो इसकी आप जितनी प्रूनिंग करेंगे उतना आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप ट्राई कीजिए अपने किसी भी एक प्लांट पर, कम से कम ट्राई कीजिए। ये देखिए मेरे छोटा से पॉट में लगा हुआ, जब इसमें फ्लावरिंग होगी दोस्तों हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप देखिए कितना घना बनता है ये, बहुत सारे फ्लावरिंग इसमें होगी और छोटा सा प्लांट आपका बोनसाई का रूप धारण कर लेगा। तो दोस्तों अगर आपको बोगनवेलिया के बड़े या छोटे जिस प्रकार की भी प्लांट है किस प्रकार से तैयार करने हैं मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको ये पूरी मिट्टी को इस प्रकार से लूज करना है, ये ध्यान रखिए, इसके आसपास की जितनी मिट्टी है आपको पूरा इसको लूज करना है। इस मिट्टी को पूरा लूज करते हुए हटा दीजिए या बीच में इस प्रकार से ले आइए। और दोस्तों अब साथ में क्या करना है, आपने आप प्लांट के हिसाब से, जैसे इतने बड़े प्लांट में मैं एक मुट्ठी डाल रहा हूँ, ये डाल रहा हूँ मैं अपनी वर्मी कंपोस्ट या काउडंग जो भी आपके पास अवेलेबल है, और साथ में आप इसमें ऐड कर दीजिए बोन मील की बहुत ज़्यादा नहीं डोज आपको डालनी, इसमें से बस एक दो चम्मच इस प्रकार से डालें। दोस्तों आप चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी ग्लव्स पहन के भी कर सकते हैं। तो जिनको बोन मील अगर इस्तेमाल नहीं करना है, जो बोन मील से परहेज करते हैं, वो इसके बदले रॉक फॉस्फेट या दोस्तों प्रोम जो आता है, जो फर्टिलाइजर मैंने आपको दिया बताया हुआ है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको अच्छी तरह से इस प्रकार से मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा नीचे तक इसकी गुड़ाई कर दें और इसमें हल्की सी वाटरिंग करके इसको छोड़ दीजिए। और दोस्तों आपने थोड़े दिन इसमें पानी डालना है और उसके बाद इसमें पानी की मात्रा थोड़ा सा कम कर देना। अभी तो 10 से 12 दिन इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिए जिससे कि ये खाद जो गर्म हो रही होगी एकदम से प्लांट को हीट अप ना करे, तो थोड़ा सा सेट हो जाए खाद। उसके बाद 10 से 15 दिनों के बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा पानी की मात्रा बहुत कम कर देनी है, इतनी कम करनी है कि बस इसके अंदर इसको जीने के लिए पानी मिलता रहे बस। तो दोस्तों क्या होता है कि जब हम इसमें पानी का थोड़ा सा कम कर देते हैं तो उसके बाद ये अपनी एनर्जी फ्लावरिंग पर दे देता है और ग्रोथ को नहीं दिखाता है। तो आपका प्लांट फिर धीरे धीरे फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से आप बोगनवेलिया को हर प्लांट को तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों अब ये कितना देखिए बहुत ज़्यादा इसकी शाखाएँ फैल गई हैं, तो अब ये बिल्कुल सही समय है, आप इसकी जल्दी से प्रूनिंग कर लें। तो दोस्तों लगभग मैंने देखिए इसकी पूरी प्रूनिंग कर ली है और ऊपर ऊपर तक अब जहाँ तक हमारा हाथ जा रहा है हम इसको पूरा ऊपर से करेंगे। देखिए ऊपर इसकी टहनियाँ ऊपर ऊपर को जो आसमान को जा रही है हमें ये सब हटा लेना है, और मैंने इसका 50% से ज़्यादा इसमें हटा लिया है। कुछ इसमें पहले की हमारी ये बेलें हैं इनको भी हमने हटा लेना है। आप चाहे तो बोगनवेलिया की कटिंग को भी लगा सकते हैं, बोगनवेलिया की कटिंग लगाने का ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा टाइम है। इस प्रकार से आपको पेंसिल के आकार की कोई भी कटिंग लेनी है और इसको रेत के अंदर डाल दें, थोड़ा सा एलोवेरा या रूटिंग हॉर्मोन्स लगाते हुए इसको यहाँ से, ये ध्यान रखें दोस्तों इसको मैं यहीं पर आपको बता दूं कि इसको आपको शार्प कट इस प्रकार से मानना है, और ये शार्प कट और इस प्रकार से इसकी लेंथ होनी चाहिए कम से कम 6 से 8 इंच, और 5-6 कटिंग इस प्रकार से ले लें और इसको जो बिल्कुल सैंड वाली जो कंस्ट्रक्शन सैंड होती है बारीक वाली उसके अंदर इसको कम से कम 2 से 2 इंची इतना डाल दीजिए। ये देखिए इतना 2 इंची इसको अंदर डाल दें और 6-7 कटिंग इस प्रकार से आप लगा लें, और उसको छेड़ाखानी नहीं करनी है, उसको हिलाना नहीं है, किसी एक जगह पर रख दीजिए। वाटरिंग का ध्यान रखें, हफ्ते में 2-3 बार उसमें थोड़ा सा वाटरिंग कर दें, तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद 40 से 45 दिनों बाद ये कटिंग आपकी सक्सेस हो जाएंगी और इसके अंदर भी फिर आप इसी प्रकार से फ्लावर ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हमने इसकी प्रूनिंग कर ली है, अब हमें इसमें नेक्स्ट काम क्या करना है कि जिससे हमें बोगनवेलिया बहुत अच्छे फ्लावरिंग दो, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं हमारा, ये हमारा बोगनवेलिया का जिसमें हमें लगा हुआ है, ये देखिए साथ में ये लगा हुआ है,
और ये ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें साथ में मैंने एक बेल और लगाई थी, जो आप देख रहे हैं ये पीले पीले फूल हमारे बहुत दिनों से खिल रहे हैं, हमने पीछे वीडियो में भी आपको दिखाया था। इस कारणवश क्या है कि मैं इसको भी पूरा हटा नहीं पा रहा हूँ और इसकी खुदाई नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए इस प्रकार से हमने इसकी पूरी कटिंग कर ली है, पूरी ट्रिमिंग कर ली है, और आप देख रहे हैं पहले हमारा कितना झाड़ी नुमा लग रहा था, अब हमने इसको हटा दिया है पूरा सा। और दोस्तों अभी भी थोड़ा थोड़ा नीचे रह गया, वो अभी हम थोड़ा थोड़ा और कर लेंगे। तो दोस्तों आप देखिए हमारा ये बोगनवेलिया का प्लांट कैसा कितना खूबसूरत लग रहा है, और अब इसमें धीरे धीरे जब फ्लावरिंग होगी तो इसका रिजल्ट हम आपको बताएंगे। और यही खाद का प्रयोग आपने करना है, और इसी प्रकार से हर बोगनवेलिया को आप अपने ट्रीटमेंट करें। आप देखते हैं मैं अपने बोगनवेलिया को बहुत हार्ड प्रूनिंग कई बार कर देता हूँ। मैं आपको साथ एक प्लांट और शेयरिंग करना चाहता हूँ जिसको मैं पहले ही प्रूनिंग कर चुका हूँ। तो ये देखिए इसी प्रकार से एक और प्लांट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये देखिए मैंने इसकी बहुत हार्ड प्रूनिंग कर दी थी और अब इसमें साइड से नीचे नीचे आ गए हैं। दोस्तों बोगनवेलिया की ये वीडियो आई होप कि आपको बहुत पसंद आई है। पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।